दोस्तों आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है। अगर आप भी साइकिलिंग करते हैं या फिर साइकिलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारे गैजेट्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, तो जाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए क्योंकि इस सीरीज में रहते हैं एक से बढ़कर एक धमाकेदार गैजेट। लेकिन उन्हें दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब मार दियो और वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन तो बिना सोचे समझे दब ही जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन रहता है इस सीरीज के सबसे निचले पायदान पर। नंबर 12, ग्रीन डिस्क। हमारी साइकिल के लिए ऑयलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है उसकी चेन की ऑयलिंग करते रहना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आए दिन चेन उतरती रहेगी और साथ ही आपको बहुत ज्यादा दिक्कत भी आएगी। और अगर आप उसमें किसी फनल की मदद से ऑयल डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर तरीके से पूरी चेन में नहीं पड़ पाता है, जिसकी वजह से कहीं पर तो बहुत ज्यादा ऑयल हो जाता है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं रहता। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की गैजेट को, जो कि एक ऐसी डिस्क होती है जिसमें अंदर की तरफ ऑयलिंग सिस्टम लगा होता है, जिससे कि एक फॉर्म की मदद से होता हुआ ऑयल आपकी चेन पर लगेगा। इसे आपको अपनी चेन पर लगाना होता है और पूरी चेन में ये एकदम सही तरीके से ऑयलिंग कर देता है। तो मजेदार रहता है ये गैजेट, जिससे कि आप आसानी से अपनी पॉकेट में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो साइकिल यूज करने वाले लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी, तो फटाफट इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर से दीजिएगा। नंबर 11, स्मार्ट हालो 2। दोस्तों आजकल कार और बाइक्स में तो हाईटेक डिस्प्ले दे रखी होती है, जहां पर आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, लेकिन बात अगर बाइसिकल की हो रही हो तो फिलहाल वहां पर ऐसे सिस्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसा नेविगेशन पैनल होता है जिसे कि आप अपनी साइकिल के साथ यूज कर पाएंगे। दोस्तों इसमें आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होती है जहां पर आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी कि कितनी डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी है, आपकी क्या करंट स्पीड चल रही है, ये सब कुछ आपको इसमें दिखाई देगा। साथ ही इसका इस्तेमाल आप नेविगेशन के लिए भी कर सकते हैं। एक बार मोबाइल फोन पर आपको डेस्टिनेशन को सेट करना पड़ता है, जिसके बाद ये गैजेट आपको एलईडी इंडिकेटर की मदद से गाइड करता है। तो मजेदार रहता है इस तरीके का कमाल का गैजेट, जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा अपनी राइडिंग के दौरान। तो साइकिलिंग करने वालों के लिए ये तो काफी कमाल का होता है, तो आप भी बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 10, रियर विज रोटेटेबल बाइक मिरर। दोस्तों गाड़ियों में पीछे देखने के लिए साइड मिरर्स लगे होते हैं, जिनसे कि पीछे की चीज एकदम क्लियर आपको दिखाई देती है और आगे आपको गाड़ी चलाने में मदद मिलती है और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखना नहीं पड़ता। लेकिन बाइसिकल में ऐसे जुगाड़ नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस गैजेट को, जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। ये ऐसे मिरर होते हैं जिन्हें कि आपको अपने हाथों में पहनना होगा और आपको जब भी इनकी जरूरत होती है तो आप इन्हें ओपन करके यूज कर सकते हैं। इसका छोटा सा मिरर होने के बावजूद भी इसमें आपको पीछे का पूरा एरिया कवर होता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि आप पीछे आने वाले व्हीकल्स पर नजर रख पाएंगे। तो सेफ्टी के लिहाज से भी इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 9, विंग लाइट 360। दोस्तों ये गैजेट आपने काफी लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। ये ऐसी साइड लाइट्स होती हैं जिन्हें जनरली लोग अपने बाइक्स में इंस्टॉल कराते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस गैजेट को अपनी साइकिल में भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफी बेटर रहती है। दोस्तों ये इस तरीके की लाइटिंग्स होती हैं जिससे कि आप दूर से विजिबल रहेंगे और रात के समय अगर आप साइकिलिंग का मजा ले रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। साथ ही इनका इस्तेमाल आप एक टर्निंग इंडिकेटर के तौर पर भी कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस लाइट को खास बनाता है। इसे सेटअप करना भी बेहद आसान रहेगा, जिसमें आपको कोई खास कारीगरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको एक माउंट दे रखा होता है, जिसे कि आपको हैंडल पर लगा देना है और लाइट्स को इस माउंट में फिट करने के बाद आसानी से ये एकदम सेट हो जाती हैं। तो कमाल की रहती हैं इस तरीके की लाइटिंग सेट। तो अगर आप भी चाहते हैं इन्हें खरीदना तो इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 8, हीमो बाइक। दोस्तों आजकल ई बाइक्स का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है और अगर आप भी एक ई बाइक लेने का सोच रहे हो तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि ये साइज में बेहद छोटा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी फोल्डेबल ई बाइक होती है जिसे कि आप अपने बैकपैक में लेकर कैरी कर सकते हैं। इसका टोटल वेट लगभग 14 किलो के आसपास होता है और आप इसे फोल्ड करके अपने बैकपैक में रख पाएंगे और इसे दोबारा अनफोल्ड करके यूज करने में लगभग 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। इसकी टॉप स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि साइकिल को देखते हुए एकदम परफेक्ट रहेगी। ये ई बाइक एक बैटरी ऑपरेटेड रहता है, जिसकी बैटरी को आपको निकाल कर चार्ज करना पड़ता है, और अगर आप लंबे लंबे सफर पर जाते हो अपनी साइकिल से ही तो आप मल्टीपल बैटरी पैक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमाल की रहती है इस तरीके की ई बाइक, जो कि पॉल्यूशन फ्री आपको एनवायरनमेंट देती है, साथ ही आपको मजा भी आएगा इसमें राइडिंग का। नंबर 7, यूरो बाइक। दोस्तों बाइसिकल में आपको टर्निंग इंडिकेटर नहीं दे रखे होते हैं। अगर आप टर्न करने वाले हैं तो आपको पहले हाथ देना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा, इसके बाद ही आप टर्न कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के बैकपैक को, जो कि आपका ये काम आसानी से कर सकता है। दोस्तों इसके बैक में लगे होते हैं एलईडी पैनल्स, जो कि आपके लिए एक टर्निंग सिग्नल की तरह काम करेंगे। इसे आप अपने मोबाइल फोन ऐप के साथ कनेक्ट कराकर एक बार रूट सेट कर देते हैं, जिसके बाद ये इंडिकेटर्स अपने आप ही जलते और बुझते रहते हैं, यानी कि आपके टर्न होने से पहले ही ये फौरन ऑन हो जाएंगे। तो काफी मजेदार रहता है
है इस तरीके का ऑटोमेटेड गैजेट जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। नंबर 6, साइकिल ऑन टूलकिट। दोस्तों वैसे तो साइकिल का मैकेनिज्म काफी ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी टूल किट की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से आप आसानी से जब चाहें उसे रिपेयर कर सके। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी टूल किट जिसका इस्तेमाल आप छोटी मोटी रिपेयरिंग में कर पाएं, तो ये गैजेट काफी कमाल का रहता है। दोस्तों इसकी खास बात ये रहती है, ये एक ऐसा मल्टी टूल गैजेट होता है जहां पर आपको मल्टीपल साइजेस के स्क्रू ड्राइवर्स और रिंचेस के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिसे कि आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्पोक्स लेवलर, रूलर और भी बहुत सारी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो कि आपके लिए एक इंडिविजुअल टूल की तरह काम करेंगे। तो काफी ज्यादा मजेदार रहता है ये गैजेट, जिसे कि आप अपनी साइकिल की टूल किट की तरह तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही इस पॉकेट टूल को अपने साथ आप कहीं भी ले जा सकते हैं जो कि आपके अलग अलग जगहों पर काम आ सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस मल्टी टूल गैजेट की कीमत, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 5, ल्यूमस अल्ट्रा हेलमेट। दोस्तों वैसे तो बाइक्स चलाते समय हम सभी लोग हेलमेट्स का आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं, उनकी बात क्या करी जाए। खैर, लेकिन साइकिल में भी आपके लिए हेलमेट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप भी चाहें तो एक बार इस तरीके के हेलमेट को ट्राई करके देख सकते हैं जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफी बेटर रहेगा। लेकिन इस हेलमेट की खास बात ये होती है कि इसमें आगे की तरफ एक फ्लैशलाइट लगी होती है जिससे कि ये आपके लिए एक टॉर्च का काम करेगी, और बैक साइड पर इंडिकेटर्स लगे होते हैं यानी कि अगर आप टर्न कर रहे हैं या फिर पीछे से आने वाले लोगों के लिए आप सही तरीके से विजिबल रहेंगे। इन इंडिकेटर्स को आप रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही चाहें तो अपने एप्पल वॉच को भी एक रिमोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये लाइटिंग्स पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होती हैं जिससे कि आप किसी भी मौसम में इसे यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा है आपको ये गैजेट, अपने एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करिएगा। नंबर 4, जर्मन फिनिक्स 6 सोलर। दोस्तों आजकल स्मार्ट वॉचेस का आ गया है जमाना, जिसको देखो वही स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए घूम रहा है। और अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा चल रहा हो तो आप भी प्लान कर सकते हैं इस तरीके की स्मार्ट वॉच को। दोस्तों इसमें आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि किसी भी स्मार्ट वॉच में देखने को मिलते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी फिटनेस को ट्रैक कर सकते हैं इस छोटी सी वॉच की मदद से, और साथ ही इसमें आपको साइकिलिंग के भी मोड दे रखे होते हैं यानी कि अगर आप लंबे लंबे रूट्स पर साइकिलिंग करना पसंद करते हैं तो इसकी मदद से आसानी से यूज कर पाएंगे। साथ ही ये छोटी सी वॉच आपके लिए एक नेविगेटर की तरह भी काम करेगी जिसमें आप जीपीएस का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका सबसे कमाल का फीचर होता है इसमें सोलर पैनल का लगा होना। जी हाँ दोस्तों, इसकी डिस्प्ले एक सोलर पैनल की तरह काम करेगी जिससे ये घड़ी खुद ब खुद चार्ज भी होने लगती है। तो मजेदार रहता है इस तरीके का गैजेट जो कि हो सकता है आपने पहली बार देखा हो। तो ये टेक्नोलॉजी अगर आपने पहली बार देखी हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके इनकरेज जरूर से करिएगा। नंबर 3, R1 EVO स्मार्ट कम्युनिकेशन साइकिलिंग हेलमेट। दोस्तों अगर आप एक ऐसा हेलमेट चाहते हैं जो कि फीचर्स में थोड़ा सा एडवांस हो और जिसे आप अपनी साइकिलिंग के दौरान यूज कर पाए, तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि इसमें लाइटिंग्स तो लगी ही होती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी, लेकिन इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद रहते हैं जिसका इस्तेमाल आप एक इंटरकॉम के तौर पर कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे स्पीकर्स लगे होते हैं जो कि बोन कंडक्शन के माध्यम से आपके कानों तक आवाज पहुंचाते हैं, यानी कि किसी भी तरीके के ईयरफोन या फिर हेडफोन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं आप इसी तरीके के हेलमेट्स को और भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि एक मैस कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार हो जाता है। तो अगर आप ग्रुप में साइकिलिंग के लिए निकले हो तो सभी दोस्तों से कनेक्ट भी रह सकते हैं इस हेलमेट के माध्यम से। तो अगर आप साइकिलिंग ट्रिप्स पसंद करते हैं तो इस तरीके का एडवांस हेलमेट आपके काफी ज्यादा काम कर रहेगा। नंबर 2, राइडमी पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर। दोस्तों साइकिलिंग से जुड़े हुए लोगों को टायर में प्रेशर मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रेशर अगर हल्का सा भी कम होता है तो आपको काफी ज्यादा दम लगानी पड़ती है पैडल मारने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा टायर इन्फ्लेटर जिसका इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकें, तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इस गैजेट की खास बात ये होती है ये साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है जिससे कि आप आसानी से इसे लेकर कैरी कर पाएंगे, और पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होने की वजह से इसमें आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको बस नोजल को चेंज करना पड़ेगा और ये आपके लिए एकदम तैयार हो जाता है। जैसे ही आप इसे टायर के नोजल के साथ अटैच करेंगे तो ये फौरन आपको करंट प्रेशर दिखा देगा। साथ ही आप इसका इस्तेमाल अपनी कार बाइक्स के साथ भी कर पाएंगे जो कि एक अपने आप में कमाल की बात रहती है। वहीं स्पोर्ट्स आइटम में भी हवा भरने के ये गैजेट आपके काम आ सकता है, बस आपको अटैचमेंट्स को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो इस गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही बनता है। दोस्तों अब बारी आती है नंबर 1 गैजेट की, लेकिन उसे दिखाने से पहले मैं फटाफट से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना कतई मत भूलिएगा। वहीं दिखाए गए गैजेट में किसी को भी खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं अपने पसंदीदा गैजेट की वीडियो न्यूटेक गैजेट चैनल पर, तो फटाफट कैटेगरी का नाम कमेंट कर दीजिए, यानी कि साइंस गैजेट, लाइटिंग गैजेट, दिवाली गैजेट या फिर और भी ढेर सारी कैटेगरीज हैं। हो सकता है अगली वीडियो आपके पसंदीदा गैजेट की सीरीज पर ही बेस्ड हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन रहता है नंबर 1 पर।
नंबर 1 ब्लाइंक बाइक वियर। दोस्तों अगर आप घर पर बैठे बैठे ही साइकिलिंग का मजा लेना चाहते हैं तो ये गैजेट आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगने वाला है। दोस्तों ये मजेदार के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि इसमें आपको एक वीआर देखने को मिलता है और कुछ सेंसर देखने को मिलते हैं जिसे कि आपको अपनी बाइसिकल के साथ अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद जब भी आप बाइसिकल पर बैठकर राइडिंग का मजा लेंगे तो ये आपको एकदम अलग ही दुनिया में ले जाएगा। इसमें आप अपने हिसाब से थीम को सेट कर सकते हैं और आप जैसे जैसे पैडलिंग करेंगे, जो जो भी अपनी साइकिलिंग की स्पीड रखेंगे, जैसे हैंडल मूव कराएंगे, ये सब कुछ आपको आउटपुट के रूप में वीआर में दिखाई देगा, जो कि एकदम अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बेसिकली इसे बनाया गया है कि आप अपने घर पर रहकर ही साइकिलिंग वाली एक्सरसाइजेस कर पाएं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आता रहे और आपकी बॉडी फिटनेस भी कायम रहे। तो आप देख सकते हैं इसके ऐप में वो अपनी फिटनेस से रिलेटेड सारी डिटेल, यानी कि आपने कितने किलोमीटर की राइडिंग करी है, कितनी कैलोरी बर्न करी है, ये सब कुछ आपको इसके ऐप में दिखाई देगा। तो इस तरीके के गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता ही है और साथ ही कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।